लोगों से। एक दो भक्त हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है, दो भक्त हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं या दो व्यक्ति हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति बोलता है, यदि तुम्हारे सामने अभी भगवान प्रकट हो जाएं तो भगवान से क्या मांगोगे, है ना? ऐसा होता है ना, अक्सर लोग मंदिर जाते हैं तो बोलते हैं भगवान कुछ ना कुछ प्रार्थना करना चाहिए, ऐसा हमने बचपन से सीखा है। तो हम क्या समझते हैं कि प्रार्थना करने का मतलब उनसे कुछ मांगो, हमारा एग्ज़ाम अच्छा हो जाए, हम पास कर जाएं, हम डॉक्टर बन जाएं, हम इंजीनियर बन जाएं, हमें नौकरी मिल जाए, भगवान से कुछ मांगो। ये जनरल टेंडेंसी है, हमारे देश के बच्चे सब यही शिक्षा उनको मिली है। तो भगवान के सामने प्रार्थना करने का ये मतलब नहीं होना चाहिए, भगवान के सामने प्रार्थना करने का ये मतलब होना चाहिए, भगवान आप कितने सुंदर लग रहे हैं, आपका पायल कितना अच्छा है, आपका हार कितना अच्छा है, आपका मुकुट कितना सुंदर है, मुकुट का रंग कितना सुंदर है, और आप तीनों सृष्टि के तीनों लोकों के मालिक हैं, आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत ऐश्वर्यवान हैं, आप बहुत धनवान हैं, आपके अंदर में सारी सृष्टि चलती है। जैसा आपने भीष्म पितामह की प्रार्थना देखी, आपने कुंती माता की प्रार्थना देखी, आपने गजेंद्र मोक्ष की प्रार्थना देखी, आपने भक्ति विनोद ठाकुर की प्रार्थना देखी, आपने नरोत्तम दास ठाकुर की प्रार्थना देखी, विश्वनाथ चक्रवर्ती का देखा, आप सब जगह देख रहे हैं कि भगवान की प्रार्थना का मतलब है कि भगवान का गुणगान, उसी को कहते हैं प्रार्थना। भगवान के सामने गए तो भगवान का गुणगान, और गुरु के सामने गए तो गुरु का गुणगान, ये शास्त्र बताता है कि हमको करना चाहिए। तो जनरली लोग क्या कहते हैं कि नहीं, भगवान के पास गए तो क्या मांगा भगवान से, अरे तुम आंख बंद करके भगवान से क्या मांगा, तुम गए थे भगवान, 10 बच्चे गए हैं साथ में, एक साथ कॉलेज के स्टूडेंट गए हैं, क्या मांगा भगवान से। तो बड़ा अच्छा आंसर हमें मिला, वो मैं बता रही हूँ, जो भी जिनका भी सुना मैंने, उन्होंने कहा भगवान सामने प्रकट हो जाएंगे क्या फिर और कुछ मांगना शेष रह जाएगा, और क्या मांगना है, मिल तो गया सब कुछ, भगवान स्वयं सामने प्रकट है, फिर मांगना बचा है, अभी भी मांगना बचा है क्या? कितना अच्छा आंसर है बताइए, है ना?